इंसानों को पत्थर बनाने वाली चुड़ैल। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इतने अंधेरे के अंदर एक बहुत ही भयानक पत्थर के जैसी दिखने वाली चुड़ैल दो घोड़ों की बग्गी के ऊपर बैठकर जंगल को चीरते हुए गांव की तरफ आ रही थी। बहुत दिनों के बाद आजादी मिली है, आज तो मैं पूरे गांव में आतंक मचा कर ही रहूंगी। चल मेरे घोड़े, तुक दुक तुक दुक तुक दुक तुक दुक तुक दुक तुक दुक। पत्थर की चुड़ैल अपने घोड़ों की बग्गी के ऊपर बैठी हुई गांव में पहुंच जाती है, जहां उसे गांव के अंदर कई सारे लोग यहां से वहां घूमते हुए दिखाई देते हैं। इतने सारे लोग, इन लोगों ने ही मुझे कैद किया था, आज मैं इन्हें कैद करूंगी। ये सभी मेरे गुलाम बनेंगे और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी एक किशन नाम के लड़के की नजर पत्थर की चुड़ैल के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। अरे राम राम राम, देखो 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 तो सही, ये पत्थर की चुड़ैल दोबारा से गांव में आ गई है। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, नहीं तो ये चुड़ैल एक एक करके सभी को पत्थर की मूर्ति बना देगी। अरे भागो, अरे भागो। किशन के ऐसे चिल्लाकर भागने पर गांव के सभी लोग पत्थर की चुड़ैल को देख लेते हैं, जिसके बाद वो भी उस चुड़ैल से डरकर भागने लगते हैं। कहां तक भागोगे, कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। तुम सबको तो मैं पत्थर का बना दूंगी, फिर कहां भागोगे मुझसे बचकर। तभी चुड़ैल वहां खड़ी गायत्री को अपने हाथों से पकड़कर उठा लेती है। अरे ओ चुड़ैल की देवी, तू मोको क्यों पत्थर बना रही है? मोकू छोड़ दे, मोए ना पतो, मोकू छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुझको, तू ही तो पूरे मामले की फसाद की जड़ है। अगर तुझे छोड़ दिया तो क्या पता फिर तू मेरे खिलाफ क्या साजिश रच ले। नहीं नहीं, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल उसके ऊपर अपने मुंह से फूंक मारती है, जिसके बाद चुड़ैल की फूंक से गायत्री एक पत्थर की मूर्ति बन जाती है। मेरी प्यारी पत्थर की गायत्री, अफसोस तू अब कभी भी वापस इंसान नहीं बन पाएगी। तभी चुड़ैल एक बहुत ही जोरदार फूंक मारती है, जिसके बाद गांव में खड़े सभी लोग पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल जोर से चिल्लाकर कहती है। सुन लो गांव वालों, अगर इस बार किसी ने भी मेरा विरोध करने की कोशिश की तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सब के सब मारे जाओगे, अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे गुलाम बनकर रहो। वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर चुड़ैल अपने घोड़े की बग्गी के ऊपर बैठती है और उसे चलाते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल गायब हो जाती है, जिसके बाद गांव के कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल दोबारा से आ गई और इसने देखो गाँव के सभी लोगों को पत्थर का बना दिया है। अब हम लोग क्या करें, ये तो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली है। पिछली बार तो पंडित जी ने हमारा साथ दे दिया था और बड़े ही जाप करते हुए इस चुड़ैल को कैद कर लिया था, लेकिन इस बार तो पंडित जी चारों धाम की यात्रा के लिए निकले हुए हैं। अगर वो होते तो वो हमें बचा सकते थे इससे। अब हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, हमें पत्थर बनाने वाली चुड़ैल का गुलाम बनना ही होगा, वरना वो चुड़ैल हम सबको पत्थर बना देगी। गाँव के सभी लोग चुड़ैल के खौफ से बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी डरते हुए अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, चुड़ैल अपना एक गुलाम भेजती है, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार और शरीर पर एक सैनिक वाले कपड़े होते हैं। वो चुड़ैल का गुलाम सब लोगों को चुड़ैल का आदेश देता है। पत्थर की चुड़ैल ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, तुम सभी को उसके लिए एक किला बनाना होगा जो जंगल की नदी के किनारे बनेगा। तुम सबके पास केवल एक घंटा है, जल्दी से नदी किनारे पहुंच जाओ। अगर नहीं पहुंचे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और जो भी चुड़ैल की बगावत करेगा चुड़ैल उसे पत्थर का बना देगी। ये कहकर गुलाम वहां से चला जाता है, जिसके बाद गांव वालों को न चाहते हुए भी चुड़ैल का किला बनाने के लिए नदी किनारे जाना पड़ता है, जहां चुड़ैल अपने घोड़े के ऊपर बैठकर गांव के लोगों से कहती है। देखो गांव वालों, मेरा किला सबसे बड़ा और सबसे मजबूत होना चाहिए, मैं कई देशों पर राज करूंगी।
तभी उनमें से एक राजू नाम का लड़का चुड़ैल से आकर कहता है, चुड़ैल हम तेरे गुलाम नहीं है, तू हमें अपना गुलाम क्यों कर रही है, हमें छोड़ दे और जाने दे। अगर पंडित जी आ गए तो तेरा वो हाल करेंगे जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत बहादुरी दिखाई तूने, लेकिन मेरे खिलाफ बगावत करने का नतीजा अब तुझे भुगतना होगा। तभी चुड़ैल अपने मुंह से राजू की तरफ एक फूंक मारती है, जिसके बाद राजू एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और चुपचाप से चुड़ैल के लिए उसकी मनपसंद का किला बनाने लगते हैं। चुड़ैल कई दिन तक गांव के लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगती है और उन्हें भूखा प्यासा रखती है, और जो काम सही से नहीं करता वो उसे पत्थर का बना देती है। जल्दी जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चुड़ैल के अत्याचार से गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसके बाद एक दिन रात को गांव के सभी लोग चुड़ैल का सामना करने के लिए कोई उपाय निकालते हैं। हम लोग हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। जैसे ही चुड़ैल का किला पूरा बन जाएगा, चुड़ैल हमें पत्थर का बना देगी। सही कहा तुमने, लेकिन हम करें क्या, उसे जला नहीं सकते क्योंकि वो पत्थर की है। मैंने सुना है जो भी चुड़ैल दोबारा से जन्म लेती है वो अपनी जान किसी चीज में छुपा देती है, क्या पता उस पत्थर की खदान में भी अपनी जान को किसी चीज में छुपा दिया हो। हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। उस पत्थर की चुड़ैल के गले में एक लॉकेट है जिसके अंदर रेगिस्तान की रेत भरी हुई है। मुझे लगता है कि शायद उसकी जान उस रेत की मिट्टी में है, हमें उसके उस लॉकेट को चुराना होगा। ठीक है, इस काम को मैं करूंगा। इस बार उस चुड़ैल को मैं हमेशा के लिए इस गांव से भगा कर ही रहूंगा। किशन चुड़ैल के गले से लॉकेट को चुराने के लिए उसकी गुफा में पहुंच जाता है, जहां वो आराम से सो रही होती है। वो देखता है कि चुड़ैल ने अपने लॉकेट को गले से उतार कर एक पिंजरे के अंदर ताला लगाकर उसे कैद कर रखा है। किशन बहुत पतला था और उसका हाथ आसानी से उस पिंजरे के अंदर चला जाता है, जिसकी मदद से वो लॉकेट को निकाल लेता है और वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वो नदी किनारे पहुंच जाता है जहां गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। मैं चुड़ैल का लॉकेट ले आया हूं, अब हम इसका क्या करें? इसे वापस मुझे लौटा दो वरना अच्छा नहीं होगा। पत्थर की चुड़ैल को देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं और किशन की आंखें डर के मारे बहुत बड़ी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और उस लॉकेट को तोड़कर नदी के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद उस लॉकेट की अंदर की मिट्टी नदी में बह जाती है। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चुड़ैल कुछ कर पाती इससे पहले चुड़ैल अपने लॉकेट के साथ साथ नदी के अंदर ही बहकर हमेशा के लिए चली जाती है, और गांव के जितने भी लोग मूर्ति के रूप में बदले हुए थे वो वापस से इंसान बन जाते हैं।